गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास थर्ड। आइए आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ में हमारी एक्सरसाइज 6E चल रही थी बच्चों। 6E में मैंने आपको फोर्थ क्वेश्चन तक करा दिया था। अब हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है? अरेंज द फॉलोइंग फ्रिक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इसमें आपको क्या पढ़ा हुआ है? असेंडिंग ऑर्डर आपको पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें बस क्या डिफरेंस है, यहाँ आपको फ्रिक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। वैसे आप सिंपल डिजिट को करते थे, लाइक आप 100 की डिजिट हो, 10 की डिजिट हो, है ना, सिंगल डिजिट हो, उनको आप कर लेते थे। अब यहाँ पर फ्रिक्शन को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगानी है। कैसे करेंगे? पहले क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग डाली, क्वेश्चन नंबर 1 उसका हमने नोट करा, 5/9, 3/9, 4/9। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे? जहां पर आपको ये पता है ना, ऊपर वाली डिजिट हमारी क्या कहलाती है? न्यूमरेटर, और नीचे वाली डिनोमिनेटर। ठीक है, तो जहां पर हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है वहां पर हम असेंडिंग ऑर्डर किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? न्यूमरेटर डिजिट के अकॉर्डिंग। और न्यूमरेटर में जो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट है वही हमारी असेंडिंग में आएगी। असेंडिंग में पहले सबसे छोटा आता है ना, हाँ, तो सेम। तो यहां पर असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे छोटा डिनोमिनेटर डिजिट सेम है, तो यहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में ही देखेंगे जो सबसे छोटी है, जो सबसे छोटी है वही हमारी असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगी। तो यहाँ पर कौन सी आई? 3/9, फिर 4/9, देन 5/9। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट एक और देखो, यहाँ पर ये 4/12, 3/12, 5/12, डिनोमिनेटर नंबर सेम है, तो हमें न्यूमरेटर नंबर से असेंडिंग ऑर्डर लगाना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो सबसे छोटा होगा वही हमारा स्टार्टिंग वही होगी, असेंडिंग ऑर्डर हम सबसे छोटे से लेंगे ना, तो न्यूमरेटर में जो डिजिट सबसे स्मॉलेस्ट होगी वही हमारी असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहली डिजिट होगी। तो 3/12, 4/12, 5/12, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डी तक हमारा डिनोमिनेटर की जो डिजिट है वो सेम है और न्यूमरेटर की डिजिट अलग है। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर ई पर। ई में क्या है? 3/5, 3/6, 3/4, यहाँ हो गया अपोजिट। क्या अपोजिट हुआ? यहाँ पर न्यूमरेटर वाले डिजिट सेम है और डिनोमिनेटर चेंज हो गया, तीनों का चेंज है। अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर कैसे देखेंगे आप? तो हाँ, उसमें तो हम ये देख रहे थे कि जिसमें न्यूमरेटर वाली डिजिट सबसे छोटी है वही हमारी सबसे पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरीके से आएगा। अब जहां पर डिनोमिनेटर हमारा अलग अलग है और न्यूमरेटर की डिजिट सेम है वहां पर हम क्या करेंगे, जहां जो भी डिजिट में डिनोमिनेटर सबसे बिग है वो हमारा आएगा सबसे पहले, मतलब वो सबसे छोटा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद उससे छोट, मतलब कहने को आपको समझाने के लिए ये है कि पहले वो सबसे बड़ी वाली डिजिट, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। लेकिन ये नहीं है कि वो बड़ी है। 3/6, जैसे किसी भी चीज के हमने अगर करे 6 पार्ट्स, ठीक है, और या फिर हम किसी चीज के कर रहे हैं 4 पार्ट्स, तो 6 पार्ट्स में वो हमें कम मिलेगी या 4 पार्ट्स में कम मिलेगी? 6 पार्ट्स में कम मिलेगी क्योंकि वो 6 जगह बट गई, और अगर हमें 4 जगह बांटनी हो तो थोड़ी थोड़ी और बढ़ जाएगी हमारे में, है ना। तो 6 पार्ट हमारा छोटा हुआ ना। ठीक है, तो इसलिए हमारा जहां पर डिनोमिनेटर डिजिट हमारी बड़ी है वही हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आएगा, मींस ये सबसे छोटा है। तो 3/6, 3/5, 3/4। क्लियर? एक और समझा देती हूँ, देखो यहाँ पर है 1/7, 1/3, 1/9। यहाँ पर न्यूमिनेटर वाली डिजिट सेम है, डिनोमिनेटर चेंज है। यहाँ पर भी वही हमें मेथड लेना है कि जहां पर डिनोमिनेटर हमारा सबसे बिग है वही हमारा स्मॉलेस्ट है। तो 1/9, फिर उल्टा चलेंगे 1/7, 1/3। क्लियर? ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे असेंडिंग ऑर्डर को कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अरेंज द फॉलोइंग फ्रिक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप जानते हो ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा फिर उससे छोटा। तो पहले हमने हेडिंग डाली, क्वेश्चन नंबर 1 उतारा, 3/7, 4/7, 5/7। अब इसमें हमें क्या करना है, यहां पर सबसे पहले वही देखो, डिनोमिनेटर डिजिट सेम है, न्यूमरेटर डिजिट डिफरेंट है। अब इसमें सबसे बड़ी डिजिट कौन सी होगी बताओ? हाँ, क्योंकि ये तो असेंडिंग ऑर्डर की तरह ही है, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम है इसमें न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर जहां पर डिनोमिनेटर सेम था वहां पर हमने असेंडिंग ऑर्डर क्या करा था? जो सबसे छोटी डिजिट है वही हमारा असेंडिंग ऑर्डर में था। ये उल्टा हो गया,
डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे बड़ा लेंगे, तो सबसे ऊपर वाली डिजिट जो सबसे बड़ी है वो पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो क्या आएगा आंसर? 5/7, 4/7, 3/7। क्लियर? एक और समझाती हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर बी, 1/6, 1/5, 1/7। अब इसमें न्यूमरेटर हमारा सेम है और डिनोमिनेटर हमारा चेंज है ना, डिफरेंट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम? तो इसमें हमारा सबसे बड़ा कौन सा है जो यहाँ सबसे छोटा है? अभी हमने असेंडिंग ऑर्डर में जहां पर न्यूमरेटर सेम था, डिनोमिनेटर चेंज था, वहां हमने क्या करा था? जो सबसे बड़ी आ रही थी डिनोमिनेटर की डिजिट वो हमने सबसे पहले लिखी थी। अब यहाँ पर जो सबसे छोटी आ रही है डिनोमिनेटर की डिजिट वो हम सबसे पहले लिखेंगे, मीन्स वो सबसे बड़ी हो गई। बस थोड़ा सा बेटा ये समझना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो इसमें सबसे छोटी जो है वो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगी, 1/5, 1/6, 1/7। आप उसी तरीके से देखो कि किसी चीज के हम बहुत ज्यादा पार्ट करते हैं तो वो हमें कम अमाउंट में मिलेगी, और कम पार्ट करेंगे तो वो ज्यादा अमाउंट में मिलेगी, मतलब वो ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देखो, 3/4, 3/5, 3/7। यहाँ पर भी हमारा न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर चेंज है, तो वही डिनोमिनेटर जो सबसे छोटा है वही हमारा सबसे बड़ा हो गया। तो 3/4, 3/5, 3/7 ये तो सेम टू सेम आ गया, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, लास्ट एक क्वेश्चन और समझ लो, 3/5, 2/5, 4/5। यहाँ पर फिर चेंज हो गया, यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर चेंज है, तो न्यूमरेटर जहां पर भी चेंज होगा तो वहां पर तो हमारा वही चलेगा सिंपल मेथड जो हम सीखते आए हैं कि जो सबसे बड़ी डिजिट है वो सबसे पहले डिसेंडिंग में, तो 4/5, 3/5, 2/5। क्लियर बच्चों? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करना है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 6E यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, ये सभी सम आपकी कॉपी में सॉल्व जरूर होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप अपने वर्क को ऐसे पेंडिंग छोड़ते जा रहे हैं, सभी का वर्क मुझे कंप्लीट मिलना चाहिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।